हेलो फैमिली, कैसे हो? तो यार आज सच में आप बहुत बड़ी अपडेट है। मतलब यार स्टैंड बाय मी टू जो इंडिया में चाहते थे, सच में बहुत बड़ी अपडेट है। तो भाई कोई टाइम पास नहीं करूंगा, बिल्कुल रियल न्यूज़ होने वाली है। कोई भी प्रेडिक्शन या आ सकती है इतने को आएगी या आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ है यार, सब कुछ दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो बहुत यार, आज की वीडियो तो हमेशा की तरह आप देख लेना, अगर नहीं देखते हो तब भी आप इसे एंड तक देख लेना, बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो चलो यार आज की कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार जिस मूवी को हम इंडिया में लाने के लिए इतने कैंपेन करे, इतने ज़्यादा डिज्नी को मेल करे, तो यार उस समय नहीं हो पाया सक्सेस, लेकिन हमें क्या ही बता था, डिज्नी हमारे पीछे यार स्टैंड बाय मी टू पे ही काम कर रहा है। तो यार आज तो मतलब पहले आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो यार ये देखो, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक स्क्रीनशॉट। तो यार ये जो है, आप सबसे पहले मैं आपके लिए से पढ़ देता हूँ। तो यार इन्होंने लिखा है, गॉट दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ डबिंग फॉर माय फेवरेट कैरेक्टर नेम डोरेमोन इन हिंदी इन दिस अपकमिंग मूवी स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 रिलीजिंग सून, थैंकफुल टू द टीम मेंटर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो यार अब आप सोच रहे होगे कि भाई क्या है, क्या लिखा है, तो मैं बता देता हूँ। तो यार जो भी है, इनका नाम है ये मैम अनिशा प्रसाद मैम। इन्होंने यार मतलब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है स्टैंड बाय मी डोरेमोन 2 में वॉइस देने का, वो भी डोरेमोन की। अब यार 5 साल बाद रिलीज होने जा रही होगी तो वॉइस तो नहीं देंगे, इसका मतलब इन्होंने साफ साफ लिखा है रिलीजिंग सून, और इन्हें डोरेमोन की वॉइस का रोल दिया गया है स्टैंड बाय मी 2 मूवी में। तो लेट्स सी आगे कि स्टैंड बाय मी 2 में इनकी आवाज़ कैसी होती है। लेकिन यार ये बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है, फाइनली बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। हमारे इतने ज़्यादा कैंपेन क्या क्या नहीं करा हमने यार, मेल कैंपेन्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ, पीवीआर को ट्वीट किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन फाइनली डिज्नी इंडिया ने इस पे मतलब यार ऑलरेडी काम चालू कर दिया। जो भी भाई हमारे मतलब पुराने व्यूअर्स, मतलब जो हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, उन्हें मैंने पहले भी बताया था कि यार डिज्नी हो सकता है बैकग्राउंड में अपना काम चल रहा हो। तो अभी भी यार डिज्नी ने कुछ नहीं बताया, बल्कि ऑफिशियल वॉइस आर्टिस्ट ने बताया है। तो यार बहुत खुशी हुई यार ये देख के मुझे। तो लेकिन आगे मैं बढ़ूँ वीडियो में, उससे पहले यार आपको कमेंट में डिज्नी ओपी कर देना है। बिल्कुल यार डिज्नी ओपी कर दो यार, डिज्नी ने इतना अच्छा कदम हमारे लिए उठाया हिंदी में इस मूवी को लाने के लिए, तो बहुत ही मज़ा आएगा यार। अब ये फाइनली इसकी डबिंग शुरू हो चुकी होगी या होने वाली ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने लिखा है रिलीजिंग सून, तो रिलीजिंग सून ही। और जो बहुत से लोग यार पारुल भटनागर मैम को मतलब पोक करते थे कि वो हर कमेंट का रिप्लाई जल्दी आएगी देते थे, लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा स्टैंड में मीटू जल्दी आएगी, तो इसका मतलब जल्दी आएगी, और आप देख सकते हो वो आएगी भी। तो यार बहुत ही ऑसम न्यूज़ है, और ये सबसे पहले अपडेट आपको दे रहा है आपका रजून। हाँ यार बहुत मतलब किसी ने नहीं दिया अभी तक आपको, आप टाइम भी देख सकते हो मेरी वीडियो का, कुछ भी देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया। तो इसी बात पे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, आज से ज़्यादा ऑडियंस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करती है, तो यार अभी सब्सक्राइब कर दो, हम बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएंगे, डोरेमोन को भी बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। तो नीचे कमेंट में बताओ आपको कैसा लग रहा है ये अपडेट सुन के। यार मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशी से पागल हो गया हूँ कि इतनी बड़ी अपडेट आ चुकी है फाइनली। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो यार। तो यार ये वीडियो तो यहीं तक की थी, और आज की वीडियो को एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।